खबर बगहा से, जहां इंटर की परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं भयमुक्त परीक्षा को लेकर आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। बगहा में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 5032 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए 3 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जो बुधवार 1 फरवरी से आगामी 11 फरवरी तक चलेगा। खास बात यह है कि इंटर की परीक्षा में पहली बार बीएसईबी ने परीक्षार्थियों को यूनिक एडमिट कार्ड जारी किया है। वहीं प्रत्येक परीक्षा केंद्र में 25 परीक्षार्थियों का एक शिफ्ट विभक्त किया गया है, ताकि कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण आसान तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जा सके। बगहा एक स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय आदर्श परीक्षा केंद्र पर, जहां बगहा की पहली महिला एसडीएम डॉक्टर अनुपमा सिंह ने इंटर परीक्षा केंद्र का फीता काट कर उद्घाटन किया। कड़ी चौकसी व सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां के सभी परीक्षा केंद्रों पर कतारबद्ध होकर परीक्षार्थी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी ओर महिला पुरुष जवान तैनात किए गए हैं, तो फर्स्ट एड को लेकर मेडिकल टीम की एम्बुलेंस के साथ तैनाती की गई है, ताकि परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न हो। परीक्षार्थियों के अंदर से परीक्षा को लेकर कोई डर व हिचक न रहे, इसको लेकर खुद महिला आईएएस अनुपमा सिंह उन्हें गुलाब भेंट कर टिप्स दे रही हैं। दूसरी ओर परीक्षा केंद्र के दायरे में निषेधाज्ञा धारा 144 लागू किया गया है, जहां किसी भी अभिभावक को मौजूद नहीं रहना है। पहले दिन की पहली पाली में आज गणित, जबकि दूसरी पाली में हिंदी विषय की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे दंडाधिकारी से लेकर दीक्षक से लेकर पुलिस बल सभी लोग महिला हैं। और यहां पर मैंने अभी इसका उद्घाटन किया है। 5 से 6 बच्चियाँ प्रवेश कर चुकी हैं। टेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे अलग से बनाया गया है, जहाँ पे पुलिस बल महिला है, अच्छे से उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि सही से टेस्टिंग करें, अनावश्यक किसी को एंट्री यहाँ नहीं मिलेगी, मोबाइल फोन वगैरह किसी को लेकर नहीं जाना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ब्रीफिंग कर दी गई। बगहा में कितने सेंटर है मैम, कितने परीक्षार्थी हैं? 8। बगहा 1 में 4 है, बगहा 2 में 4 है। R9 भारत के लिए बगहा से रवीश मिश्र की रिपोर्ट।